आईपीएल के तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। चेन्नई में खेले गए इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर केकेआर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी के अर्धशतक के बदौलत केकेआर ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 100 जवाब में हैदराबाद ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन की बना पाई। हैदराबाद की हार से उसके फैंस को निराशा तो हुई, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए जब उन्हें जश्न मनाने का मौका मिला। हैदराबाद की गेंदबाजी के दौरान स्टार स्पिनर राशिद खान का जलवा देखने को मिला। उन्होंने केकेआर को पहला झटका दिया। राशिद ने ओपनर शुभमन गिल को पवेलियन भेजा। राशिद के विकेट लेने के बाद हैदराबाद के फैंस झूम उठे। इसमें फ्रेंचाइजी की मिस्ट्री गर्ल के नाम से मशहूर काव्या मारन भी शामिल रही। राशिद खान ने जब विकेट लिया तो स्टेडियम में मौजूद काव्या खुशी से झूम उठी। वो स्क्रीन पर भी नजर आई। बता दें कि काव्या हैदराबाद की CEO है। IPL 2021 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बोली लगाते वक्त भी काव्या को देखा गया था। काव्या को क्रिकेट काफी पसंद है। इसके अलावा वो अपना कामकाज भी अच्छे से संभालती है। वो पहली बार IPL 2018 के दौरान नजर आई थी। काव्या ने चेन्नई से MBA किया है और अब उनका पूरा फोकस IPL पर है।